into the Parmeshwaran Parikra. भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों के फर्स्ट बैच को आर्टिलरी रेजिमेंट की अनुमति देकर महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया है। चेन्नई में आज शनिवार को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में लंबे और कठिन परीक्षण के कामयाबी के साथ पूरा करने के बाद 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। आर्टिलरी रेजिमेंट के जरिए कमीशन पाने वाली इन 5 महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के समान ही अवसर मिलेंगे। इस रेजिमेंट में 19 पुरुष अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी इंडक्टेड इनटू द आर्टिलरी एंड बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट द 5 विमेन ऑफिसर्स टू बी इंडक्टेड इनटू द आर्टिलरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इज अ वेरी बिग थिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल ऑफ अस विल डू जस्टिस टू आवर रोल्स एंड वील एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल एंड वील give our best to the arm and to the organization. So life always gives you good opportunities. It's for you to believe that you are strong enough and once you believe you can do anything. इन युवा महिला अधिकारियों को सभी प्रकार की आर्टिलरी इकाइयों में तैनात दी गई हैं, जिनको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। इनको कठिन समय में रॉकेट, मीडियम फील्ड और सर्विलेंस एंड टारगेट एक्सिलेशन और उपकरणों को संभालने के लिए पर्याप्त परीक्षण और एक्सपोजर मिलेगा। 5 महिला अधिकारियों में से 3 को उत्तरी सीमाओं पर तैनात किया गया है। बता दें कि लेफ्टिनेंट महक सैनी को 1 रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव को फील्ड रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल को एक मीडियम रेजिमेंट में और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को एक रॉकेट रेजिमेंट में कमीशन मिला है। The reason why I joined the army was my father. He's motivated me since childhood. So that is one of the biggest motivation for me to join the army. Par with the men, we here at OTA are an example of this, I think, at of the highest order. Our training is integrated here, which means we run in the same camps, the same kind of physical activities, the same kind of training schedule, and be it rigorous or whatever, we are doing everything with them. जानकारी के अनुसार पासिंग आउट परेड के समापन के बाद युवा महिला कैडेटों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली और अपना रैंक प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया, जो आर्टिलरी रेजिमेंट में उनके प्रवेश का प्रतीक था। इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल आदोष कुमार, कर्नल कमांडेंट और आर्टिलरी के महानिदेशक सहित सीनियर ऑफिसर ने हिस्सा लिया। आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों की कमीशनिंग भारतीय सेना में चल रहे परिवर्तन का बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार साल की शुरुआत यानी जनवरी में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने महिला अधिकारियों को आर्टिलरी में कमीशन देने के निर्णय लिया था। ये 5 महिला अधिकारियों का फर्स्ट बैच है जिन्हें आर्टिलरी में कमीशन दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।